पोलैंड के सोबिबोर में नाजियों की ओर से बनाए गए यातना शिविर से एक पेंडेंट मिला है। यह पेंडेंट नाजियों द्वारा यहूदियों पर की गई यातनाओं में शामिल एक यहूदी किशोरी एन फ्रैंक का माना जा रहा है। दरअसल समाचार पत्र इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट की माने तो नाजियों द्वारा बनाए गए यातना शिविरों की खुदाई से एक पेंडेंट मिला है जिस पर 3 सितारे और ईश्वर का प्रारंभिक नाम चित्रित है। यह पेंडेंट उसी यहूदी किशोरी एन फ्रैंक का माना जा रहा है जिसे नाजियों ने जबरन यातना शिविर में डाल दिया था। अनुसंधानकर्ताओं की माने तो उस वक्त इस तरह के त्रिकोणीय पेंडेंट का चलन था। फिलहाल अनुसंधानकर्ताओं ने इस वक्त एन फ्रैंक के मौजूद परिवार वालों से आगे आने का अनुरोध किया है। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मिले पेंडेंट में एन फ्रैंक के जन्म का वर्ष और जन्म अंकित है, जिसके मुताबिक एन फ्रैंक का जन्म फ्रैंकफुर्ट में 1929 में हुआ था और 1945 में उत्तरी जर्मनी के बर्जन बेलसेन के यातना शिविर में उनकी मौत हुई थी। आपको बता दें कि 1942 में एन फ्रैंक को अपने जन्मदिन पर एक डायरी मिली थी। उस वक्त नीदरलैंड पर नाजियों ने कब्जा कर लिया था और 2 साल तक एन फ्रैंक को अपने परिवार के साथ छिपना पड़ा, लेकिन नाजियों ने उन्हें ढूंढ निकाला और जबरन यातना शिविर में डाल दिया। इस दौरान एन फ्रैंक ने डायरी लिखनी शुरू की जो आगे चलकर युद्ध के दौरान नाजियों के यहूदियों पर किए गए अत्याचारों और जनसंहार का एक अहम दस्तावेज मानी गई। आगे चलकर ब्रितानी और कनाडाई सैनिकों ने उस इलाके को नाजियों से मुक्त कराया, लेकिन उससे पहले ही यातना शिविर में टाइफस की वजह से एन फ्रैंक की मौत हो गई थी। विद्रोह के बाद नाजियों ने यातना शिविरों को ध्वस्त कर अपने अपराध को छिपाने के लिए यातना शिविर की जगह पेड़ लगा दिए थे, लेकिन अब यातना शिविरों की खुदाई से मिल रही चीजें यहूदियों पर किए गए अत्याचारों को बयां कर रही हैं। देखते रहिए डीपी लाइव।